कौन है? ये क्या था? टीस बोलो। आपने बोला है टीस, टीस कह रही हूँ। बाबा मुझे डरा रहे थे और मैं उनके सामने कैमरा लेके खड़ी हुई थी। इसको गए टीस। आप वो नहीं लेकर आए बाजरा? लाए कबूतर मांग रहे खाना अपना। आपने भी कटवाए बाल? रोटी खत्म हो गई है की? क्या चाहिए? सुबह से भी मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि मियाँ जी को आते ही लग गई है भूख। सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है बनिस्बत गर्मियों के। बस हमारी रोटी बना दूँ, बच्चों ने तो मैगी खा लिया, फिर इनको भी खाना देती हूँ। सो खाना रेडी है। तुरई की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, ये बैंगन की सब्जी, मिर्ची तली हुई और रोटी। तो चलो इनको तो खाना दे के आते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्राइज़। बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई है, एग्ज़ाम ख़त्म और अब बच्चों की मस्ती शुरू है। आज आए थे, लास्ट पेपर था और अपना आने के बाद जो है सो गए थे। अभी TV देख रहे हैं और फ्राइज़ की जो है ना फरमाइश हुई है। मैंने सोचा चले आप लोग सब ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ और जो भी ब्लॉग बन सका वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये है कि मैंने खाने में बनाई है चिकन का सालन बनाया हुआ है और बच्चों को फ्राइज़ दे देंगे। बस अभी मैंने फ्राइज़ डाल दिए, ये देखिए। और यहाँ हमारे फ्राइज़ बनते हैं। इतने में एक और बैच जो वो भी आलू का अपना फ्राइज़ का वो कट कर लेती हूँ। बाकी आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें जल्दी से फ्राइज़ काटती हूँ। और आज मैं आपको जो एक प्रोजेक्ट भी अभी दिखाऊंगी, मैंने अपना लास्ट व्लॉग में जो है कॉस्मेटिक के व्लॉग में आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर की थी तो वो मैं लेकर आई हूँ, तो आज उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। तो चलें पहले बच्चों को जो है मैं प्राइज़ वगैरह दे दूँ, इसके बाद जो है फ्री होकर फिर मैं आपके साथ जो है वो भी प्रोजेक्ट जो है अपनी शेयर करती हूँ। फ्राइज चेक कर लेते हैं। एक तो ये कि एक हाथ से कैमरा पकड़ना, एक हाथ से काम करना, अभी ऑयल वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलें फ्राइज फ्राई हो जाते हैं ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों को देते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप थोड़ी खाएंगे, आप खाएंगे?
जी तो मेरी सिस्टर्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट शेयर करूँगी। मैं लास्ट व्लॉग अभी मैंने कॉस्मेटिक का जब आप लोगों के साथ शेयर किया तो मैंने वहाँ से आपको वहाँ के प्रोडक्ट दिखाई थी, तो उन्होंने मुझे दो तरह के फेशियल भी दिखाए थे, एक डर्मा सेशन के नाम से और एक डर्मा क्लीन के नाम से। डर्मा के काफ़ी प्रोडक्ट हैं, काफ़ी फेशियल हैं, और तो उन्होंने मुझे दो फेशियल क्या बताया था और प्रोडक्ट का, तो मैंने जो है उसमें से डर्मा सेशन की क्लिनजिंग जो है वहाँ से परचेज़ की थी। तो ये है डर्मा क्लीन की जो है ना अपना क्लिनजिंग विद स्क्रब के साथ। तो इसमें जो है मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ और इसके बाद यूज़ करके आप लोगों को इसका फीडबैक भी दूँगी। तो ये मुझे जो है ना प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी और ये मैंने भी यूज़ की है बग़ैर विदाउट अपना ब्लीच। ब्लीच मैंने यूज़ नहीं की अपनी स्किन पे, सिर्फ मैंने अभी फ़िलहाल जो है ये सिर्फ क्लिनजिंग यूज़ किया है और इसका मुझे रिज़ल्ट अच्छा लगा। तो ये डर्मा सेशन है हाई इफेक्टिव स्किनर प्रोडक्ट फॉर ब्राइटनिंग द ऑल कॉम्प्लेक्शन ऑल स्किन टाइप। और ये जो है हमारी जो डल बहुत ज़्यादा जिसकी डल स्किन होती है उसके लिए बहुत अफेक्टिव है और प्रोडक्ट बहुत अच्छी और हर तरह की स्किन के लिए है। मैं ज़्यादा फेशियल यूज़ नहीं करती हूँ और वैसे भी शुरू से मेरी थोड़ी सी नेचर रही है कि मैं फेशियल नहीं यूज़ करती, ना मैं फेशियल करवाती हूँ। हाँ क्लिनजिंग मैं ले लेती हूँ, वो भी बहुत कम, कोई इवेंट हो या ईद वगैरह पर तो मैं क्लिनजिंग ब्लीच के साथ लेती हूँ। घर में प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करती हूँ आफ्टर 15 डेज़ कोई क्लिनजिंग अच्छा सा घर में रख लिया या कोई अच्छा स्क्रब हो गया क्लिनजिंग के साथ या फेस वॉश अच्छा वाला, तो वो मैं चेंज कर करके यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने इस दफ़ा जो है ये डर्मा सेशन जो है ना ये इसका क्लिनजिंग मैंने सोचा कि मैं ये यूज़ करके देखती हूँ। और ये 100 ml की जो है ये ट्यूब है और ये 350 की मुझे मिली है। 350 मैंने बाय की तो अच्छी प्रोडक्ट है और अच्छा इसका रिज़ल्ट है। डर्मा का तो वैसे भी जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग क्लिनजिंग और फेशियल वगैरह के लिए कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। बाकी ये है कि मैं आप लोगों ने अगर मेरा कॉस्मेटिक का जो है व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को सेंड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप लोग कहेंगी तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना डिटेल में जो है उनकी प्रोडक्ट का और भी जो नई प्रोडक्ट्स उनके पास आई होंगी उन उसका भी एक अच्छा सा जो है एक पूरा डिटेल में विज़िट करूँगी और आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उनका मैंने वैसे व्हाट्सअप नंबर भी जो है पिन किया हुआ है, आप लोग चाहें तो खुद भी कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। अनारकली अपना वाटर पम्प पे जो है ये वाटर पम्प मार्केट जहाँ पे लतीफ़ मार्केट में उनकी शॉप है, तो हम लोग ज़्यादातर मैं मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर्स वगैरह हम लोग सब उन्हीं से काफ़ी टाइम से प्रोडक्ट लेते हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, जिसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा होता या पीछे से कोई चीज़ अच्छी नहीं आ रही होती, वो भी वो लोग हमें बता देते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं आ रही, आप लोग ये यूज़ नहीं करें, अभी ये प्रोडक्ट में ये मसला है, इस तरह से कॉस्टली है, तो वो आगे जाके जो है ना पैसे कम हो जाएंगे या जो भी होता है। तो अच्छे जो है ना एक प्रोडक्ट भी मिल जाती है और नॉलेज भी मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग डर्मा सेशन जो है ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए और इसका पूरा फेशियल है और सेपरेट ट्यूब्स अब मिल जाती हैं, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप चाहें तो आप सेपरेट ले लें, चाहें तो पूरा फेशियल किट ले लें, तमाम जो है ना ट्यूब्स ले कर और घर में भी फेशियल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप बाहर जाके ज़्यादा एक्सपेंसिव फेशियल नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप एक दफ़ा एक एक करके जो है ट्यूब्स लेके घर में रख लें और फिर अगर घर में दो बहनें हैं या आपस में कोई भी दो लेडीज़ हैं, नन भाभी हैं या जो भी फैमिली में दो कोई भी हो, तो वो आप एक्स्ट्रा एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। अब तो नेट पर हर चीज़ आप लोग को यूट्यूब पर पता चल जाती है, स्टेप्स किस तरह से होते हैं, क्या होता है फेशियल के क्लिनजिंग के। तो ये है कि अगर आप लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग घर में एक दफ़ा ले लें और लेने के बाद जो है आप घर में वही पैसे बचा के आप घर में बहुत काफ़ी दफ़ा जो है आप घर में ही अपना फेशियल या क्लिनजिंग कर सकते हैं। तो खैर ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है डर्मा सेशन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और
बस इसके साथ ही आज का व्लॉग अभी इतना ही एंड करती हूँ। बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई है आज से, लास्ट में पेपर था ख़त्म हो गए हैं। अब देखें किस तरह उनकी वेकेशन गुजरेंगी, कहाँ जाना आना होता है नहीं होता, कुछ नहीं पता, कुछ भी प्लान नहीं है। बस एक जो है वन डिश का प्लान है, सब बहन भाइयों ने काफ़ी दिन से बनाया हुआ है। अगर वो प्लान ओके हो गया, डन हो गया, तो मैं आपके साथ ज़रूर वो व्लॉग शेयर करूँगी, अगर बना सकी कुछ हो प्लान जो है हमारा कम होता है। बाकी जो भी व्लॉग आगे होते रहे, बच्चों की भी कोई एक्टिविटी रही तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप लोग इसी तरह जो है हमें सपोर्ट कीजिए, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ऐसा करके मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। थोड़ी थोड़ी मेहनत करके ही इंसान आगे बढ़ता है, एकदम से तो कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। मैं भी अपनी गलतियों से काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शुरू में नहीं पता थी। मेरे बेटे ने स्टार्ट किया था अपना व्लॉगिंग, स्टार्ट की थी समर वेकेशन पे, और जो है इसके बाद जो है फिर उनके स्कूल स्टार्ट हो गए, वो भी कंटिन्यू करना चाहते थे। मैं भी घर में फ्री होती थी तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बना लिया करूँगी। और इस तरह होते होते फिर मेरा भी इंटरेस्ट होने लगा, और मैं घर के डेली व्लॉगिंग के साथ साथ जो मेरे साथ मेरी अच्छी कोई भी मार्केट का व्लॉग रहता है, मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कोई ये नहीं है कि स्पेशली जाके कुछ बनाना है या कुछ करना है। हाँ, जिन जहाँ से मैं कोई चीज़ बाय कर रही हूँ, कोई अच्छी चीज़, अच्छी प्रोडक्ट मुझे मिल रही होती है, तो वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को हमारी डेली की व्लॉगिंग कैसी लग रही है। छोटी सी फैमिली है, दो मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा, एक बेटी, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम चार लोग हैं। तो डेली का जो भी व्लॉग रहता है थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यही रोज़ाना की रूटीन होती है और यही ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही है। तो बस अपनी दुआओं में याद रखें, आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नया नोटिफिकेशन मिल सके। और डर्मा सेशन ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।